हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैकेनिकल गाइड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं MMI की, मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की। दोस्त, इसमें हम आपको बताएंगे आपके टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूरा पेपर आपका यहीं से फंसने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब भी आपका सेमेस्टर एग्जाम आता है तो मैकेनिकल गाइड द्वारा आपको केवल टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं, जिससे आपका पूरा सेमेस्टर एग्जाम निकल जाता है। ठीक है, जो स्टूडेंट हमारे साथ फिफ्थ सेमेस्टर पे जुड़े थे या उससे पहले के सेमेस्टर में जुड़े हैं, उनको ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है। ठीक है, अगर आपको इसकी PDF और नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं वो टॉप 25 क्वेश्चन दोस्त कौन कौन से होने वाले। अगर चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली और भी नोटिफिकेशन की वीडियोस लगातार आपको दोस्त मिलते रहें। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले दोस्त आपका जो क्वेश्चन दिया गया है मेट्रोलॉजी में टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, वो है आपका सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो है मेट्रोलॉजी क्या है। आपको बताना है कि मेट्रोलॉजी क्या है, मेट्रोलॉजी की आपको डिफिनेशन देनी है। ठीक है, उसके बाद बताना है आपको इसमें इसके उद्देश्य को समझाइए। ठीक है, इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड बनता है। देखिए, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका मेट्रोलॉजी, अगर आप पढ़ रहे हैं तो पहले आपको मेट्रोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका ये जरूर एग्जाम में आपके दोस्त बनता है। मापने की जो आपकी श्रेणियां हैं कौन कौन सी होती हैं, प्रत्येक श्रेणी की व्याख्या करें। तो कई बार आपको ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मापन की जो आपकी श्रेणी है कौन कौन सी होती हैं, इनका क्या करना है आपको, एक एक करके प्रत्येक को आपको बताना है। ठीक है, बात करते हैं दोस्त आपका जो थर्ड क्वेश्चन दिया गया है कैलिब्रेशन पर, टिप पे लिखिए 101% आपका ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम पर आने वाला है दोस्त, कैलिब्रेशन पर टिप्पणी लिखिए। तो आपका जो सिक्स सेमेस्टर के मैकेनिकल के स्टूडेंट है, उनका जितने भी चार सब्जेक्ट हैं, चारों के वीडियोस आप लोगों को बहुत जल्द टॉप 25 क्वेश्चन के मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इतना दोस्त आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जो आपका फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है उसकी बात कर लें अगर हम लोग, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट कौन कौन से हैं। तो इसके जो स्टैंडर्ड के जो मेजरमेंट हैं उनकी बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसी तरह बात करते हैं दोस्त जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 5 नंबर, अगर उसकी बात करें हम लोग, वर्नियर मेथड क्या है। ठीक है, तो आपको बताना है वर्नियर मेथड क्या है तथा इसका चित्र बनाकर वर्णन करें, और इसके मापन की विधि का भी वर्णन है। तो पहले आपको वर्नियर कैलिपर के बारे में पता होना चाहिए, तो वर्नियर मेथड उसके बाद आपको पता होगा। ठीक है, तथा इसका क्या करना है आपको, चित्र की सहायता से वर्णन आपको करना है और इसके मापन की जो विधि है उसका भी वर्णन करना है। अगर आप लोग जल्दी से जल्दी सभी सब्जेक्ट के टॉप 25 क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट का वीडियो चाहते हैं तो आप लोग हमें कमेंट करके वीडियो में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आपका दोस्त जो 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया उसकी अगर हम लोग बात करें, वर्नियर हाइट गेज का सचित्र वर्णन करो तथा वर्नियर डेप्थ गेज को भी बताना। तो कहने वाला जो आपका हाइट गेज होता है, वर्नियर हाइट गेज है, उसका आपको क्या करना है, सचित्र चित्र की सहायता से आपको बताना है, उसका वर्णन करना है, तथा जो इसमें वर्नियर डेप्थ गेज लगा होता है जिसके हम लोग डेप्थ को मापने के लिए डेप्थ गेज का यूज करते हैं, उसके बारे में भी आपको इसमें टिप्पणी दोष देनी है। ठीक है, तो ये आपका 6 क्वेश्चन हुआ, केवल हम आपको टॉप 25 क्वेश्चन ही दोस्त बताएंगे, इससे ही पूरा आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर फंसने वाला है। ठीक है, अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर चाहिए 1 by 1 जैसे आपको फिफ्थ सेमेस्टर पर प्रोवाइड कराए गए थे, तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। अगर आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो उसके लिए आपको हमें केवल 249 रुपीज पे करने होंगे ओनली। ठीक है, तो जिसमें आपको हम 1 by 1 क्वेश्चन और उसके आंसर की PDF हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, जिससे आपके सेमेस्टर एग्जाम में दोस्त बैक नहीं आएगी। 249 रुपीज़ कोई ज़्यादा नहीं होता है चार्ज। ये मान लीजिए अगर आपकी एक भी सब्जेक्ट में दोस्त बैक आती है तो आपकी बैक फीस ही 500 रुपीज़ होती है, 500 रुपीज़, तो उसका ये सिर्फ आधा है, और आधे में आपके पूरे चारों सब्जेक्ट को हम पास कराने की गारंटी लेते हैं। ठीक है, जिससे आपकी बैक नहीं आएगी, क्योंकि ये फाइनल सेमेस्टर है आपका। अगर इसमें दोस्त आपकी बैक आती है तो आपके डिप्लोमा पर भी शो करेगी, जिससे आपका बहुत ही ज़्यादा लॉस होने वाला है। तो बिल्कुल भी सोचिएगा मत, अभी जाकर टेलीग्राम पर हमारे मैसेज कीजिए और नोट्स को परचेस कीजिए, या फिर अपना आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे जिससे आप हमें बात कर सकते हैं। अब बात करें दोस्त आपका जो सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है उसकी बात करें हम लोग, यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है जो 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है उसकी बात करते हैं। देखिए, स्क्रू तथा स्क्रू नट विधि क्या है, आपको बताना है स्क्रू जो होता है और स्क्रू नट की जो विधि है वो क्या है, आउटसाइड माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कैसे ज्ञात करते हैं। साथ में ये भी बताना है आउटसाइड जो माइक्रोमीटर है उसका अल्पतमांक कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है वर्नियर माइक्रोमीटर के सिद्धांत को समझाइए। तो ये मान लीजिए आपका वर्नियर माइक्रोमीटर है जो आपका हाइट गेज है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका 100% बनने वाला है। अभी आपके पास 20 से 25 दिन है, हम जो 25 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं अगर आप 1x1 डेली एक क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो ये मान लीजिए आपके सेमेस्टर एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, बैक का तो कोई चांस ही नहीं है दोस्त। ठीक है, इसी बात में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन दिया गया है गैप का मापन कैसे किया जाता है, फिलर गेज का वर्णन कीजिए। तो गैप को मापने के लिए हम किस गेज का यूज़ करते हैं ये आपको बताना है। ठीक, उसके बाद आपका जो फिलर गेज है इसका वर्णन भी हमें इसमें करना है। अब बात करते हैं इसमें दोस्त आपका 10 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया अगर उसकी बात करें हम लोग यहाँ पर, स्लिप गेज क्या होता है, आपका जो स्लिप गेज है वो क्या होता है, किस कार्य के लिए यूज होता है, इसके ग्रेड ग्रेड में वर्गीकरण कीजिए। तो इसके जो ग्रेड होते हैं इसमें भी आपको वर्गीकरण करने के लिए कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब जितना चाहे दोस्त उतना इसमें इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, 100% ये क्वेश्चन आपके आपके बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है। जो आपके तुलनित्र क्या होता है, तुलनित्र का वर्गीकरण करके बताइए, 101% ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्त मिलेंगे। जैसे आपका मैकेनिकल तुलनित्र होता है, ठीक है, ये आपके जितने तुलनित्र दिए गए न्यूमेटिक कंपरेटर और इसके जो लाभ और हानि है, ये तुलनित्र 101% आपके बोर्ड एग्जाम पर कोई एक या दो पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को जो स्टूडेंट शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखेंगे उनको ही बेनिफिट होगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप मैकेनिकल गाइड सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो आपका 12 नंबर दिया गया क्वेश्चन, साइन बार क्या है, आपको बताना है साइन बार क्या है, इसकी व्याख्या करें तथा इसके अनुप्रयोगों को बताइए। तो आपको बताना है साइन बार क्या होता है, ठीक है, इसकी व्याख्या करनी है, मतलब इसका वर्णन करना है, इसके जो अनुप्रयोग हैं वो भी आपको बताना है। एंगल स्लिप गेज पर टिप्पणी करें तथा इनके अनुप्रयोगों को बताइए। तो जो आपका एंगल स्लिप गेज होता है ये किस काम में आता है, इसमें आपको छोटी सी टिप्पणी लिखना है। ठीक है दादा, इनके जो अनुप्रयोग हैं वो भी आपको इसमें दोस्त बताना है। एक बार दोस्त फिर से यही कहना चाहूँगा, अगर आपको सभी सब्जेक्ट के वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं, और अगर इस PDF का 1x1 करके क्वेश्चन के आंसर चाहिए, एक क्वेश्चन और आंसर, उसके बाद ऐसी PDF चाहिए जैसे आपको 5th सेमेस्टर में प्रोवाइड कराई गई थी जिससे आपका पूरा बोर्ड एग्जाम में पेपर फंसा था, तो उस PDF को आपको हमसे बाई करना होगा। उसका चार्ज केवल ₹249 है ऑल सब्जेक्ट का 6th सेमेस्टर का, कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है ये। तो आपको हम डिस्क्रिप्शन पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे जिससे आप हमें कॉल या मैसेज करके हमसे बात करके ये बाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आपका दोस्त जो 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सतह रुचता के विभिन्न अवयव कौन कौन से हैं। तो जो आपके सतह रुचता के जो विभिन्न अवयव हैं उनके बारे में हमें बात करना है, कौन कौन से एलिमेंट्स इसके होते हैं। ठीक है, तो इस पे जरूर एक बार फोकस कीजिएगा क्योंकि आपका फाइनल सेमेस्टर है, फाइनल सेमेस्टर में यदि आपकी बैक आती तो डिप्लोमा पर भी शो करेगी, वो आपका डिप्लोमा 3 साल का नहीं तो 4 साल का हो जाएगा। तो ₹249 खर्च कीजिए और अपने डिप्लोमा को 4 साल से होने से बचाइए, उसे 3 साल में ही क्लियर कर लीजिए, अभी बताया दे रहा हूँ। ठीक है, फिर बाद में आप लोग यही बोलते हैं कि सर आपने जो बताया था वही आया था, पिछले सेमेस्टर के 5th सेमेस्टर के आप कमेंट्स जाकर अभी भी देख सकते हैं, जितना हमने पेपर पर बताया था वही सब आपके आया था। ठीक है, अब बात करते हैं आपका दोस्त जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उसकी बात कर लेते हैं। जो आपका 17 नंबर दिया गया है, माप की सीमाओं का वर्णन करें। ठीक है, जो आपकी माप की सीमाएँ हैं उनके हमें क्या करना है, वर्णन करना है। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें, सीमांतर क्या है, ठीक है, सीमांतर क्या है तथा सीमा अंतर के कौन कौन से कारण हैं। नेक्स्ट आपका जो 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया दोस्त, आपका फिट क्या है, विभिन्न प्रकार के फिटों को समझाइए। ये आपका जो एक पूरा चैप्टर है टॉलरेंस एंड फिट वाला, इससे दोस्त 5 से 10 नंबर के आपका पेपर पर जरूर पूछा जाएगा। तो आपका फिट का क्वेश्चन एक 100% पक्का है और एक टॉलरेंस का क्वेश्चन 100% पक्का है, जो कि आपके 5-5 नंबर पर आने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा, फिट क्या है, विभिन्न प्रकार के फिटों का समझाइए। ठीक है, इन क्वेश्चंस के अगर आपको आंसर चाहिए तो आप हमसे बाई कर सकते हैं। ठीक है, नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं दोस्त आपका जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, बाह्य चूड़ी के दीर्घ व्यास का मापन आपको इसमें बताना है। बाह्य चूड़ी है जो आपके उसके दीर्घ व्यास का मापन छिद्र आधार, छिद्र प्रणाली तथा शाफ्ट के आधार में अंतर आपको बताना है, जो कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन नहीं है, जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता जा रहा हूँ, लेकिन आपका पूरा पेपर इसी से फंसेगा, ये मैकेनिकल गाइड का कहना है। जैसा कि आप लोगों को पता है जितना मैकेनिकल गाइड द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जाता है मटेरियल, उतने में ही आपका पूरा एग्जाम फंस जाता है। तो इस बार भी आपका दोस्त वही होने वाला है। गियर मापन पर संक्षिप्त टिप्पणी करें, तो आपका जो गियर का मापन है उसमें आपको क्या करना है, तो संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। ठीक है, इसे अवयव को भी समझाइए, तो जो इसके एलिमेंट्स हैं उनके बारे में भी आपको इसमें थोड़ी सी चर्चा कर देनी है। अब बात करते हैं आपका दोस्त जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है,
गियर का बैकलेस मापन कैसे करते हैं, ठीक है, तथा त्रिविमीय मापन मशीन पर टिप्पणी लिखिए। तो कहने का मतलब जो आपका गियर का बैकलेस मापन है उसे किस प्रकार से मापते हैं करते हैं, ठीक है, तथा जो आपका त्रिविमीय मापन मशीन पर भी क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं विस्थापन का मापन कैसे किया जाता है तथा स्ट्रेन गेज द्वारा बल आघूर्ण के मापन की विधि का वर्णन करो। नेक्स्ट आपका दोस्त क्वेश्चन दिया गया है जो कोड़ी चाल मापन के लिए डीसी टैकोमीटर, एसी टैकोमीटर, फोटो इलेक्ट्रिक टैकोमीटर का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इनमें से कोई एक टैकोमीटर आपका पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। अगर इनके आंसर्स दोस्त आपको नहीं मिलते हैं तो एक बार फिर से कहूँगा, मैकेनिकल गाइड यूट्यूब चैनल है उससे जुड़िए, उसका जो टेलीग्राम चैनल है मैकेनिकल गाइड नाम से सर्च करके ज्वाइन कीजिए, उसके जो नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं उन नोट्स को बाय कीजिए, जिससे आपके वन बाय वन के क्वेश्चन के आंसर आपको प्रोवाइड मिल जाएंगे बहुत आसानी से और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। आपके पास इतना समय नहीं बचा है कि आप क्वेश्चन को कहीं से और जाकर ढूंढेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो 26 नंबर है क्वेश्चन, माइक्रोस्कोप को समझाइए, टूल मेकर माइक्रोस्कोप के बारे में भी इसमें आपको क्या करनी, चर्चा करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन दिया गया है वर्नियर वेवल प्रोटेक्टर को समझाइए, तो जो आपका वर्नियर वेवल प्रोटेक्टर है उसके बारे में आपको इसमें थोड़ी सी बात कर लेनी। कई बार ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में दोस्त पूछा जा चुका है। देखिए जैसे मैंने आपसे कहा था आपका जो फिट चैप्टर टॉलरेंस वाले से है, इसमें आपका फिट और टॉलरेंस का 100% क्वेश्चन बनता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर टॉलरेंस का क्वेश्चन फिर से रखा हुआ है, फिट का आगे बताया हुआ था और टॉलरेंस का यहाँ पर रखा हुआ है, तो आपको बताना है टॉलरेंस को समझाइए, ठीक है, और इसके जो कारण है टॉलरेंस के कारण और जो इसका एग्जाम्पल के सहित आपको बताना है, क्योंकि टॉलरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बात करनी है आपकी टॉलरेंस क्या होती है, इसको एग्जाम्पल की सहायता से आपको बताना है। 5 नंबर पर आपकी टॉलरेंस 100% दोस्त पूछी जाने वाली है। तो दोस्त यही आपके कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने वाला था कि टॉप 25 क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िएगा, टेलीग्राम चैनल का हमारा नाम मैकेनिकल गाइड, सर्च करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अगर इसके आपको क्वेश्चंस के आंसर चाहिए वन बाय वन, तो आप हमारे जितने भी 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट को आप केवल 249 रुपीज़ खर्च कर बाई कर सकते हैं, जिससे आपकी किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं आएगी, इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। दोस्त मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो पर, जो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है CNC एंड ऑटोमेशन, उसकी वीडियो आप लोगों को बहुत जल्द हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।